वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त यानी आज के दिन हर साल पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने आपके स्पेशल मोमेंट्स को कैमरे में कैद करके उन्हें खास बना दिया। पहले लोगों के पास कैमरा बहुत सीमित तक था, लेकिन आज के समय में मोबाइल में भी कैमरे ने जगह ले ली है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक मकसद दुनिया के फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना भी है। विश्व फोटोग्राफी डे की क्या अहमियत है, जाने कब हुई इसकी शुरुआत, क्यों मनाते हैं फोटोग्राफी डे, चलिए आपको बताते हैं। विश्व फोटोग्राफी डे की कहानी सालों साल पुरानी है। सन 1839 में फ्रांस में डैग्रोटाइप प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। डैग्रोटाइप यह दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया मानी जाती है, जिसका आविष्कार लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर्ड ने किया था। ये दोनों फ्रांस के ही रहने वाले थे। इन्होंने 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार की घोषणा की थी। इसके बाद इन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट प्राप्त कर लिया था। इसी दिन को याद रखने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की अहमियत क्या है, इस दिन को मनाने के पीछे एक मकसद और भी है। इस दिन को लोग जागरूकता पैदा करने व विचारों को साझा करने के लिए भी मनाते हैं। साथ ही लोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में करियर बना सके उन्हें प्रोत्साहित देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यह न केवल उस व्यक्ति को याद करता है जिसने फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का काम भी करता है।